था दोस्तों, मैं भी मिस्टर कॉमिक। सभी पार्ट के बारे में तो इस वीडियो के अंदर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। और हम पिछले बार देखा कि कोई ब्लैक डेडपूल सभी डेडपूल को मारने पे तुला है, वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके अलग अलग डेडपूल को मार रहा है। और उसी के अंदर हमें हमारा ओरिजिनल डेडपूल दिखता है, जिसको डेडपूल कॉप में कुछ और यूनिवर्स के डेडपूल भी दिखाई देते हैं, और वो उनके साथ मिलकर ब्लैक डेडपूल का आधे शरीर को मार देता है, और जो बाकी का आधा शरीर वो टेलीपोर्ट होकर ओरिजिनल दुनिया में पहुंच जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये क्या चालू है, कौन डेडपूल को मारने पे लगा है। और उसी वक्त हम देखते हैं व्हाट्सएप को, यानी कि मार्वल यूनिवर्स के भगवान। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है और कैसे ये आगे बढ़ती है। तो यही से हमारी कहानी आगे बढ़ती है डेडपूल की, डेडपूल के अगले वॉल्यूम के तरफ। तो आगे हम देखते हैं कि डेडपूल कॉर्प का रीडर या फिर डेडपूल यूनिवर्स का रीडर हमें दिखाई देता है, जो कि सभी डेडपूल से बात कर रहे हैं। और हमें इस जगह पे हर या फिर वेनमपुर या फिर काउगनपुर इन सबको देखते हुए ये लगता है कि ये पूरी तरह से डेडपूल का वर्ड है, यानी कि जो डेडपूल यहाँ पे है वही उसी तरह से कोई ना कोई कैरेक्टर हमारे ओरिजिनल दुनिया में ही होगा, या फिर हर एक सुपर हीरो का हर एक डेडपूल वर्जन यहाँ पे मौजूद। आगे हम डेडकॉर्प को देखते हैं, जहाँ पे वॉचर और बाकी के डेडपूल बात कर रहे हैं कि ये क्या चालू है और कौन उसके पीछे पड़ा है। तो उसके जवाब में वॉचर कहता हूँ कि मैं वॉचर हूँ, जो कि सभी डेडपूल के ऊपर नजर रखता है। और ये डेडपूल की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पता चलता है कि कोई A4 लाइन तोड़ कर भी दूसरे दुनिया में जा सकता है। A4 लाइन वो लाइन होती है दोस्तों, जहाँ पे कॉमिक की दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच में अंतर पड़ जाता है। अगर कोई A4 लाइन तोड़ सकता है तो वो कॉमिक की दुनिया से इंसानों की दुनिया में भी आ सकता है। और इससे पहले डेडपूल द किल्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल या फिर द डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स में भी डेडपूल ने ये लाइन तोड़ी है और इंसानों की दुनिया में आ गया था। और इस डेडपूल लीडर को लगता है कि अगर उसने सभी डेडपूल को मार दिया तो वो A4 लाइन तोड़ सकता है और इंसानों की दुनिया में आ सकता है। जैसे ही वॉचर और डेडपूल की बात खत्म होती है, हमें आगे से आवाज आती है कि क्रैश लैंडिंग के तैयार हो जाओ, हम पहुंच गए हैं। और हम आगे देखते हैं कि द डेडकॉर्प एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लैंड या फिर क्रैश हो गया है, और उसी में से सभी डेडपूल और वॉचर बाहर निकलते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि डेडपूल और वॉचर दोनों अपने सभी साथियों को ढूंढते हैं कि बाकी के साथी कहाँ पे। जैसे वो सर्कस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सभी साथी वहाँ पे मरे हुए पड़े हैं। और ये देखते हुए द गाय डेडपूल को बहुत दुख होता है और वो एक की मदद करने के जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि वो एक ट्रैप था और उसके अंदर द गाय डेड को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहाँ पे डाय गार्ड तो मर जाता है, लेकिन आगे जाके डेडपूल और बाकी के सब जिंदा बच जाते हैं। और वो उस हादसे से बसे भी नहीं होते या फिर सुधरे भी नहीं होते। तो आगे हम आगे पूरी टोली को देखते हैं सुपर विलन की। उस सुपर विलन टोली के अंदर थे द बी गाय, द साइबॉर्ग फूल और द डेडपूल का एक आर्टिनेट रूप। वो जैसे झगड़े के लिए आगे आते तो वहाँ पे हमें दिखता है द पैंडा फूल। पैंडा फूल डेडपूल के साथ ही होता है और वो उनकी मदद करता है विलन के साथ झगड़ा करने में या फिर उन्हें मारने में। और इस तरह से आगे सुपर विलन और सुपर हीरो की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के अंदर सभी लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि आगे वॉचर आगे कहता है कि मैं वॉचर हूँ। और यहाँ पे जो झगड़ा चालू है उसका एक सीधा सा रूप है, क्योंकि कोई डेडपूल को मारना चाहता है। उसके अंदर डेडपूल वॉचर को कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या चालू है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या चालू है और कौन यहाँ पे जीतने वाला है। आगे हम डेडपूल को देखते हैं जो कि द ब्लैक डेडपूल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, कि वैसे हम देखते हैं द कैरेक्टर्स पूल को। कैरेक्टर डेडपूल को देखते हुए सब लोग सोच जाते हैं कि इसको कैसे मारा जाए या फिर इसको कैसे अंत किया जाए, क्योंकि कैरेक्टर्स पूल एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन हो सकता था या फिर वो सबको मार भी सकता था। आगे हम देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करने में लगे हैं या फिर फाइटिंग करने में लगे हैं। डेडपूल डेडपूल के साथ ही फाइटिंग करने में लगा है लेडी डी, और एक डेडपूल के साथ यानी कि उसके ही एक अलग वर्जन यानी कि डेडपूल के साथ झगड़ा करने में लगा है, और बाकी सभियों को पैंडा पूल और बाकी के डेडपूल संभालने में लगे हैं। उसी दौरान विलन के ऊपर लेडी डी अटैक करने वाली होती कि उसे वॉचर रोक देता है और जवाब पूछने पे वो कहते हैं कि तुम सब मेरे फेवरेट हो, मैं तुम में से किसी को भी हारते हुए नहीं देख सकता। तो उसके जवाब में उसे मिलता है कि तुम्हें किसी एक को चुनना ही पड़ेगा।
और वॉचर कहता है कि मैं किसी को नहीं सुन सकता, तुम सब एक ही जैसे हो लेकिन सिर्फ अलग अलग डायमेंशन में से। और झगड़ा आगे बढ़ते हुए रेडी डेड पुरुष जगह पे जाते जाते हथियार रखे हुए है, और वहाँ से वो हथियार रहते हुए ऊपर आते और ऊपर आते ही सबसे पहले वो एक बॉम्ब छोड़ते हैं वुल्वरिन पुल के ऊपर। वो एक बी बॉम्ब होता है और उस बी बॉम्ब में से सब बी निकल के वुल्वरिन पुल के स्किन को खा लेते हैं और फिर सिर्फ स्कर ही रह जाते हैं। और रेडी डी जाते जाते वॉटर को किस करती है और ट्रेन में बैठते हुए कैरेक्टर्स के तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान वो कैरेक्टर्स के तरफ बढ़ते हुए उसे टकरा भी जाती है और इसी तरह से कैरेक्टर्स पुल का अंत हो जाता है और वो मर जाता है। ये सब देखते हुए सबको बहुत शर्मा लगता है और वॉटर कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ, यानी कि हीरो के साथ। यही कहते हुए वॉटर डेडपूल को उस जगह पर डेडपोर्ट करता है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कहते हैं कि उन सब चीज़ की शुरुआत उस जगह से हुई थी। वहाँ पर जाके डेडपूल सब कुछ चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये किसी नेचर के तरफ से नहीं हुआ, ये किसी इंसान ने किया है। और आगे हमें देखते हैं और वो डक और द डायनासोर पूल, इन सब के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। पैनअप पूल एडनॉट और डायनासोर पूल को संभालने में लगा है और वहीं पर हमारा डेडपूल हॉर्वर को डक को संभालने में लगा है। और आगे हम देखते हैं कि हमारे डेडपूल उन सब से जीत चुके हैं और आगे जाके वो चेक करते हैं कि कहाँ पे कुछ शुरू हुआ था और एक किस तरह से शुरू हुआ था। आगे हम देखते हैं कि वॉटर उन्हें उस जगह पे टेलीपोर्ट करने के लिए राजी हो जाता है जहाँ पे उनका रीडर अभी है या फिर जहाँ पे ठहरा है, क्योंकि उस जगह से जहाँ पे शुरू हुआ था वो ये कर सकता था। आगे हम देखते हैं कि वो रीडर की जगह पे पहुंच जाते हैं लेकिन चारों तरफ से विलन ही विलन होते हैं और उन सबके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेडपूल झगड़ा शुरू करने से पहले उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और आगे हम देखते हैं द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का डेडपूल वर्जन, उन दोनों के बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है लेकिन वो बहुत ही जल्दी समझ जाते कि वो सब कुछ रीडर को मारने के लिए आए थे और उनका एक ही मकसद है कि रीडर को मारना और शांति अमन में रहना। जैसे ही झगड़ा खत्म होने लगता है तो हमारा डेडपूल आगे उस बिल्डिंग में जाने लगता है जहाँ पे डेडपूल के रीडर ठहरा हुआ था या फिर जहाँ पे डेड रीडर ठहरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि बाहर निकल डेड रीडर, आज मैं तुम्हें मारने आया हूँ, और उसी तरह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। आगे डेड लीडर डेडपूल को कहते हुए कि यह सब कुछ तुम्हारे वजह से शुरू हुआ था, तुम्हें ओरिजिनल डेडपूल होना अर्थ 616 के डेडपूल जहाँ से यह सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ पे ओरिजिनल डेडपूल बना था और उसके बाद अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग डेडपूल बनने लगे। तुम्हारे वजह से हमने सब दुख झेले, तुमने अगर अच्छी ज़िंदगी चुनी होती या फिर तुम डेडपूल नहीं बनते तो आज हम भी डेडपूल नहीं होते और हम कोई अच्छी लाइफ जी रहे होते। यह सब कुछ तुमने शुरू किया था और मैं आज तुम्हें मारूंगा। ये कहते हुए दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके जवाब में डेडपूल कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही हो, और ये कहते हुए वो डेड लीडर को मार देता है। वो कहता है कि शायद भले तुम सही हो लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मेरे दोस्तों के साथ और जिन जिन की तुमने जान ली उनके साथ, ये सब लोग उनके साथ थे। और ये कहते हुए वो डेड लीडर का गला धड़ से अलग कर देता है और अपने स्टाइल में कहता है कि मैं जीत गया, मेरे से अच्छा कौन होगा। लेकिन जब डेडपूल बाहर आता है तो वो कहते हैं कि शायद वो सही था और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अकेला ही हूँ, और वो ये कहते हुए अपने घर पे चला जाता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि द बैड डेडपूल या फिर द ब्लैक अभी भी जिंदा है और वो बदले के भावना में है और वो कहते हैं कि तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता डेडपूल,